हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप फ्लोबुक्स के अंदर एक जीएसटी बिल बना सकते हैं। जीएसटी बिल बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आप अपना जीएसटी नंबर और एड्रेस खुद से डाले हुए हैं। तो यहाँ पर जाके मोर में कंपनी सेटिंग में आप अपना जीएसटी नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, अपना बिलिंग एड्रेस और स्टेट सही से डाल दीजिए। तो ये यहाँ पर आपका सही से सेट हो जाएगा कि आप जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस ओनर है। उसके हिसाब से हम काफ़ी सारे कैलकुलेशन करते हैं। आपने ये कर दिया, इसके बाद आप आइटम बनाएंगे और पार्टी बनाएंगे, क्योंकि बिल में वो दो चीज़ तो आती ही है। तो सबसे पहले आइटम बना लेते हैं जीएसटी वाली। तो यहाँ पे मैं अगर आइटम डाल देता हूँ, चलिए एग्जांपल के लिए आपको बता देते हैं, इसका नाम अगर जीएसटी आइटम रख दिया मैंने, सेल्स प्राइस है इसका अगर 500 रुपये, परचेस प्राइस था इसका 400 रुपये। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जीएसटी ऐड करने का ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पर। तो मैं जीएसटी पे क्लिक करूँगा, समझ लीजिए इस पर 12% जीएसटी है, ये आप सेलेक्ट कर लीजिए। सी जी एस टी, एस जी एस टी, ये सब हम लोग खुद से कैलकुलेट कर लेंगे, फ्लोबुक्स पूरा ऑटोमेटिकली कर लेगा। HSN कोड अगर आपको याद नहीं है तो सर्च पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे अभी सर्च चल नहीं रहा है, तो मैं नॉर्मली यहाँ पे सर्च खुल चुका है, तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लूँगा। ये है इसका HSN कोड, और ये जो जी एस टी है 500 रुपये सेल्स प्राइस है, उसके ऊपर जी एस टी ऐड होगा या उसके अंदर जी एस टी इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे वो उसका ऑप्शन दिया है, प्राइसेज आर विद टैक्स, प्राइसेज आर विदाउट टैक्स। इसका मतलब अगर विदाउट टैक्स किया हुआ है तो 500 के ऊपर 12% जी एस टी और जुड़ेगा। तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो आइटम है वो अभी क्रिएट हो जाएगा। ये मेरा आइटम अभी क्रिएट हो चुका है, जी एस टी आइटम, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर सबसे नीचे होगा जी एस टी आइटम, 25 पैसे सेल्स प्राइस के साथ। अब देखते हैं पार्टी, पार्टी के अंदर आप जी एस टी कैसे जोड़ सकते हैं। पार्टी में जाइए, पार्टी का नाम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं आप कि जी एस टी पार्टी, यहाँ पे मैंने लिख दिया। पार्टी का जी एस टी नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, पार्टी का जी एस टी अगर कुछ है तो मैं यहाँ लिख दूँगा 24531। ये देखिए, हमने खुद से प्लेस ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कर लिया है। जी एस टी के लिए बिलिंग एड्रेस भी काफ़ी ज़रूरी होता है, तो बिलिंग एड्रेस आप यहाँ पर लिख लीजिए, बिलिंग एड्रेस जो है पार्टी का, यहाँ पे मैंने लिख दिया है बिलिंग एड्रेस और उनका स्टेट भी डाल दिया है। शिपिंग एड्रेस सेम ही है, तो मैं इसको टिक रहने दूंगा, और ये हो चुका है। अब इसको मैं डन कर देता हूँ, तब मेरी जीएसटी आइटम बन चुकी है, मेरी जीएसटी पार्टी बन चुकी है। अब आपको दिखाते हैं जीएसटी बिल बना के। तो बिल इनवॉइस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे पार्टी चुन लीजिए, पार्टी मेरी होगी जीएसटी पार्टी, मैं यहाँ पे लिख दूंगा जीएसटी पार्टी। ये जीएसटी पार्टी जुड़ गई है। यहाँ से ऐड आइटम में जाते हैं और जीएसटी आइटम जोड़ लेते हैं। तो जी एस टी आइटम, यहाँ पे जी एस टी सर्च कर लेते, ये रहा मेरा जी एस टी आइटम सर्च हो गया, इसको जोड़ लिया ऐड आइटम। तो ये देखिए, यहाँ पे जी एस टी पार्टी हो चुकी है, जी एस टी आइटम टैक्स 12% दिखा रहा है यहाँ पे मेरे को। अब मैं यहाँ पे बस डन सेव कर लेता हूँ। तो मेरा इन्वॉइस यहाँ पे मैंने सेव किया है, अभी यहाँ पे मेरा इन्वॉइस जनरेट हो रहा है। एक बार इन्वॉइस जनरेट हो जाएगा अभी यहाँ पे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जी एस टी पूरा कैसे दिखता है आइटम का। तो ये देखिए, यहाँ पे आपने जो इनवॉइस बनाई थी, तो सबसे पहले आपका देख लेते हैं, आपकी जो कंपनी थी उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका जी एस टी आई एन यहाँ पे है। फिर जो आपने पार्टी डाली थी, पार्टी का नाम, पार्टी का एड्रेस, पार्टी का जी एस टी आई एन, और आपने जो आइटम डाली थी आइटम के साथ, आइटम का HSN कोड, आइटम का टैक्स रेट, और यहाँ पे उसका सी जी एस टी, एस जी एस टी, क्योंकि ये जो स्टेट है दोनों का स्टेट गुजरात है, इसका मतलब सिर्फ सी जी एस टी, एस जी एस टी लगेगा। 12% जी एस टी रेट लगाया था आइटम पे, उसका आधा आधा होकर 6% हो गया। तो यहाँ पे आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस आइटम, पार्टी और ख़ुद का जी एस टी भर दीजिए, जी एस टी बिल हम ऑटोमेटिक अपने आप से बना लेंगे। धन्यवाद।